चाहे कोई कितनी भी अच्छी हो, मुझे सिर्फ तू चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पे वायरल इस जोड़ी को तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें लड़की थोड़ी नटखट है और लड़का थोड़ा सीरियस है और दोनों एक दूसरे के साथ लगते हैं बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। आए दिन इनकी रील सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है, जिस वजह से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी लव स्टोरी क्या है, कैसे इनकी मुलाकात हुई और कैसे इन दोनों ने इतनी जल्दी शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, ये मैरिड है और इन्होंने 7-8 महीने पहले ही शादी की है। तो आज हम इनकी इसी लव स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक बात बोलूं, प्यार निभाना आना चाहिए, वो तो सबको जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रहमान मलिक और मुस्कान मलिक के बारे में, साथ ही जानेंगे इनकी लव स्टोरी और इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 31 मार्च 1999 को गुजरात के सूरत में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसे आज आप रहमान मलिक के नाम से जानते हैं। इनका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, इनका ध्यान अक्सर दूसरी चीजों में ही लगा रहता था। ये अक्सर टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे, वहाँ पे इनकी ठीक ठाक फ्रेंड फॉलोविंग हो गई थी और फिलहाल ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। वीडियो बनाने के साथ साथ रहमान पबजी के भी बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि पबजी ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मुस्कान से मिलाने में और इनकी लव स्टोरी बनाने में। इन दोनों की इस लव स्टोरी को जानने से पहले जान लेते हैं कुछ मुस्कान के बारे में भी। मुस्कान का जन्म 21 फरवरी 2000 को गुजरात के सूरत में ही एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। मुस्कान फिलहाल तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने लास्ट ईयर 12th कंप्लीट किया था। ये पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी, पर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया करती थी, इसलिए इन्हें एक्टिंग और डांसिंग का काफी शौक था। मुस्कान के फेवरेट एक्टर सलमान खान और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ है, और मुस्कान को भी रहमान की तरह पबजी खेलना बहुत पसंद है, और ये भी कह सकते हैं कि पबजी गेम ने इन दोनों की लव स्टोरी बनाई है। दरअसल इनकी मुलाकात मार्च 2020 में हुई थी, जब इंडिया में कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। तभी मुस्कान एक वीडियो शूट करने दूसरी जगह गई हुई थी, वहाँ रहमान पहले से मौजूद थे, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई। ये सूरत की एक जगह मिले थे जहाँ इनकी पहली बार पहचान हुई और उन्होंने मुस्कान को सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजी। 2 दिन बाद मुस्कान ने रहमान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और इन दोनों में काफी बातचीत होने लगी। कैसे समझाऊं तुझे, न तेरी जगह कोई ले सकता और न मैं लेने दूं। क्योंकि इन दोनों को पबजी खेलना बहुत पसंद था, तो इन दोनों ने अपनी आईडी एक्सचेंज की और साथ में मिलकर पबजी खेलने लगे। पबजी खेलते खेलते इन दोनों की काफी बातें होती और ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लग गए, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। और एक बार जब पबजी गेम खत्म हुआ तो मुस्कान ने रहमान को दोबारा कॉल किया और अपने दिल की बात बता डाली। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि पहले प्रपोज करने वाली मुस्कान ही थी, और रहमान भी कहीं न कहीं मुस्कान को पसंद करने लगे थे, तो उन्होंने मुस्कान का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। तभी कपल वीडियो बनाने का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो ये दोनों भी साथ में कपल वीडियो बनाने लगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने सोचा कि चलो पहले घर वालों को बता देते हैं, अगर उन्हें किसी और से पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तो उन दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताने का डिसाइड कर लिया। पहले रहमान ने अपने घर वालों को बताया, रहमान के घर वाले काफी सपोर्टिव थे तो उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई, और रहमान के घर वालों के अकॉर्डिंग वो जिनसे चाहे उनसे शादी कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान ने जब अपने घर वालों को बताया तो उनके घर वालों को काफी शॉकिंग लगा। शुरुआत में उनके पापा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक तो वो रहमान को नहीं जानते थे और दूसरा मुस्कान 12th क्लास में ही पढ़ती थी। लेकिन मुस्कान के समझाने पर और रहमान से मिलने पर उनकी फैमिली भी राजी हो गई, और कुछ इस तरह इन दोनों को अपनी अपनी फैमिली से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। और तब फिर ये दोनों साथ में कपल वीडियो बनाने लगे, और इन दोनों की कपल वीडियो भी काफी वायरल रहती, और इन दोनों ने जनवरी 2022 में अपने इस प्यार को शादी में कन्वर्ट कर दिया, जहां इन्होंने हल्दी, मेहंदी, इंगेजमेंट हर चीज का वीडियो बनाया और अपने चैनल पर शेयर कर दिया। और आज ये दोनों हैप्पीली मैरिड कपल है और साथ में कपल वीडियो बनाते हैं, जो कि बहुत वायरल रहती हैं। दूसरी तरफ इनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन कई लोग इनको ट्रोल करते हुए भी नजर आते हैं, जहाँ इनके वीडियो को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है। जहाँ इनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स की बात करें तो रहमान के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोवर्स है, वहीं मुस्कान के इंस्टाग्राम
मान फॉरएवर 99 पर 1.6 मिलियन फॉलोवर्स है। इन दोनों का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर ये व्लॉग शेयर करते हैं। दोस्तों ये थी कहानी मुस्कान और रहमान की। आपका क्या कहना है इन दोनों के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप भी रहमान और मुस्कान के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं तेरे को पाने की ना आखिरी कोशिश भी करूंगा, मैं तुझे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता ना।